आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की उस्तानी और मैं आज आपके लिए नए सबक लेके आई हूँ। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 9 में हमारे पास है मदद करो। ये देखिए कितना क्यूट सा चूज़ है यहाँ पे। अच्छा, इतना क्यूट सा चूज़ा है हमारे पास, अभी देखें। अच्छा, ये चूज़ा क्या कह रहे हैं? छू 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 छू, मैं चल नहीं सकता, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है। ओहो, देखें बेचारा रो रहा है, कह रहा है मेरे पाँव में चोट। ओहो, इसके तो देखें पाँव पे कुछ खून भी लगा हुआ है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं छू छू गाय खाला। ये देखें गाय गुजर रही है उसके आगे से, तो वो गाय खाला को कह रहे हैं गाय खाला मेरी मदद करो। चू चू बेटे, अरे नहीं भाई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो कितनी बुरी बात, उसने कहा गाय से है हेल्प मांगी, मदद मांगी, तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये आप देखें पिक्चर में चूंटी है और चूज़ों से क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है चूज़े भाई? तो चू चू मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करें, मुझे अम्मी के पास जाना है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मगर तुम तो इतनी छोटी हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी? तो चुंटी कहती है अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। तो वो देखें हेल्प मांग रही है, फिर यहाँ पे वो चुंटी जो है वो उसे कहते हैं आप तो छोटी सी हो, आप मेरी मदद कैसे करोगी? तो फिर अपनी और चुंटी बहनों को बुलाती हैं और ये देखें वो कैसे चूज़े को उठा के उसकी अम्मी के पास लेके जा रही हैं। कहती है उसकी अम्मी जब चूज़े को देखती हैं तो कहती हैं अरे तुम आ गए नन्ही चुंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन चूज़ा जो है तो अपनी मम्मा के साथ बैठ गए और उनकी जो मम्मा है अम्मी है उन्होंने चुंटियों का शुक्रिया अदा किया है। तो यकीनन आपको ये स्टोरी बहुत मज़े की लगी होगी, ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आ जाएँ सफ़ा नंबर 11 पे सरगर्मियाँ। सवालात को पढ़ कर तो उस जवाब के खाने में रंग भरिए। चूज़ा क्यों रो रहा था? अभी हमने कहानी पढ़ी ना कि चूज़ा क्यों रो रहा था, तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, जो सही ऑप्शन होगा ना हमने उसमें कलर करना है। तो पहला है हमारे पास वो घर का रास्ता भूल गया था, उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था, उसे भूख लग रही थी। 3 ऑप्शन हैं, 3 में से कौन सा सही है आप मुझे बताएं। तो इनमें से है उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था, तो इसमें हम कलर करेंगे। ठीक है, आप ग्रीन कलर ले लें और इसमें आपने लाइट कलर करने हैं। ठीक है, प्यारा। तो ये देखिए मैंने इसमें कलर कंप्लीट किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वो कहाँ जाना चाहता था, जो चूज़ा था वो कहाँ जाना चाहता था? बाग में घूमने, अपने घर, अपनी मम्मी के पास, या अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में? सही ऑप्शन कौन सा है? अपने घर, अपनी मम्मी के पास। तो इसमें आपने कलर करना। तो ये मैंने कलर कंप्लीट कर लिए है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है उसकी मदद किसने की, गाय ने, मुर्गी ने या चुंटी ने? तो चुंटी में आपने से चुंटी में कलर करना है। चुंटियों ने चूज़े की मदद किस तरह की, उसकी अम्मी को बुलाकर ले आई, उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया, उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई। तो आपने करना है उसे मिलजुल कर उठाया और उसको घर ले गई। ठीक है, इसमें आपने करना है चुंटियों ने और इसमें आपने करना है उसे मिलजुल कर घर ले गई। फिर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, या अपना काम करना चाहिए? तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपने इसमें कलर करना है। ठीक है, अच्छा, आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर जो काम करते हैं उनके नाम लिखें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, आप ये अच्छे से पढ़ें और इसमें कलर करें। फिर कल इंशाल्लाह हम ये वाला काम करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।